क्या करेगा इसको, क्या करेगा? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल गोलू भाई व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपके दुआओं से भाई हम भी एकदम मस्त हैं। तो रात को आ चुके थे हम मीर बाजार में, यहाँ पे खड़े अभी पार्किंग में लगाई हुई है भाई अपनी गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है जो यहाँ पे खड़ी है। आप ऐसा कर रहे हैं, कॉल वगैरह कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं। जम्मू का माल तो मिल रहा था, फ्लाई मिल रही थी, लेकिन उसका भाड़ा बिल्कुल जीरो है, जिससे कि अपना तेल भी पूरा ना हो। तो फिर वैसी चीज़ भरने की जिससे अपना तेल भी पूरा ना हो। चलो दो बंदे और हैं जिनको मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन जो अभी स्विच ऑफ है, लगाऊँ कॉल करने के लिए, देखते हैं अब क्या मसला बनता है। नहीं तो फिर लोड तो करके ही जाएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि खाली जाके भी क्या फ़ायदा है, दिन भी टूट रहा है और यहाँ पे अब कानवाई भी जो है तो कर ली है यहाँ से। चाय वगैरह तो अपनी हो गई भाई, चाय वगैरह पी ली, यहीं पे साथ में होटल था। बाकी खाना वगैरह खाएंगे, गर्म करेंगे थोड़ी देर तक, शाम की सब्ज़ी और चावल बने हुए तो वो गर्म करके फिर खाएंगे उसके बाद। लेकिन दिन में जो है ना गर्मी भी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा। बाकी अपने साथ तो भाई कोई नहीं, आज तो अकेले ज़िंदगी चल रही है अपनी। साहिल भाई का भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तभी वेल एंड गुड है। आएंगे अपने, उनको अपनी मतलब मर्जी है, आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे फिर भी अच्छा है, फिर देख लेंगे कोई और बंदा। तो हमें जाना है लशीपुरा वाली साइड, क्योंकि वहीं पे जो है तो अपना गाड़ी लोड होगा। देख सकते हो ट्रक वगैरह कितने खड़े हैं यहाँ से। तो जा रही हैं भाई लशीपुरा वाली साइड, देख रहे हो यहाँ पे रेलवे फाटक भी है, एक रेलवे फाटक आ चुका है। यहाँ से ज़्यादा हाइट वगैरह नहीं निकलती और जाम भी देखो कितना ज़्यादा हो गया अभी यहाँ से, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है यहाँ से और रात में ना थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलती थी। ये रहा भाई वो जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, ये हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करेगा अगर बाई दी वे कभी भी ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे कौन सी जंग लग रही है। नहीं तो ये रहा भाई संगम, देख रहे हो यहाँ पे संगम है, हरियाली हरियाली। तो आगे से मुझे लेफ्ट लेना भाई, यहाँ से अभी रह गया 600 मीटर रह गया, अभी 600-700 मीटर रह गया, तो वहाँ से मुझे लेफ्ट लेना, फिर वो जो रोड है ना लशीपुरा वाला रोड आएगा, उस लशीपुरा वाले रोड पे मुझे अंदर जाना है, लशीपुरा जाना है भाई इंडस्ट्री एरिया में, वहीं से जो है ना अपनी गाड़ी जो है लोड होगी। पहुँच गए भाई चौक के पास, अब यहाँ से जाना हमें लेफ्ट की तरफ, ये जो रास्ता अंदर पुलवामा की तरह बता रहा है, देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ लशीपुरा, तो यहाँ से चलेंगे भाई नीचे। ओ खड्डे देख रहे हो कितने ज़्यादा खड्डे हैं यहाँ से। ये रहा भाई अंदर से लशीपुरा का रोड, यहाँ से जा रहे काफ़ी कम जो है ना, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से भी चलती है, क्योंकि पुलवामा जाने वाली कुछ गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से ही जाती हैं। देख रहे हो भाई हरियाली हरियाली है, कितने दूर दूर तक जो है ना हरियाली हरियाली है। ये जो है ना इसमें अपना जावा लगाए हुए हैं शायद, तो यहाँ से जा रहे हैं हम, क्या करेंगे जाना तो है। रोड भी थोड़ा छोटा है यहाँ से और गाड़ियाँ भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चलती है, यहाँ से थोड़ा खुला रोड होना चाहिए था, क्योंकि दो गाड़ियों को निकलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। व्यू चेक करो भाई यहाँ का, कैसा ज़बरदस्त व्यू है, देख सकते हो बाहर से नज़ारा। यहाँ से आ गया भाई छोटा सा गांव, इस गांव से होते हुए इन दो चनार के पेड़ों के बीच में से जाना है भाई। आ गए भाई लशीपुरा, यहाँ पे ये रहा इंडस्ट्री एरिया, अब यहाँ से हमें जाना भाई राइट की तरफ, ट्रांसपोर्ट यहीं पे आ गए, तो यहाँ से लेते हैं भाई राइट इस तरफ, आगे आगे भाई चलते रहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो हर एक चीज़ बनती है भाई, हर चीज़ बनती है यहाँ पे। तो भाई ट्रांसपोर्ट से होके आगे, तो आप जा रहे हैं यहाँ से हम अपना लोड करने के लिए, यही पास में लोड करना है, ये आगे रहा पावर ग्रिड के साथ में, ये इधर शटरिंग, वहीं से अपनी जो है तो प्लाई जो है लोड होगी। तो फाइनली भाई पहुँच गए फैक्ट्री के पास, ये रही अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी हुई है, अब देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। सबसे पहले अंदर चलते हैं भाई अपने, उनको पूछेंगे पहले क्या कहाँ पे लगानी गाड़ी क्या है, और ये फैक्ट्री का गेट रहा भाई यहाँ पे, यहाँ से होगी प्लाई लोड। चोल बनाने के लिए थे, मैंने सोचा चलो बना लेंगे, ये रहे कुकर में सीट वगैरह आ गई, ओके हो गया, अब गाड़ी को पॉइंट पे लगाएंगे भाई, उसके बाद जो अपना खाना वगैरह खाएंगे। बाकी साफ सफाई भी अभी मैं अंदर से कर रहा था, ऑलमोस्ट सब साफ सफाई जो मैंने कर ली है। क्या करेगा इसको, क्या करेगा?
भाई गाड़ी अपनी जो है लोड हो रही है और साथ में यहाँ पे ड्रम में पानी वगैरह था, शो वगैरह को मैंने अच्छे से साफ कर लिया भाई, शो को और जितनी भी स्टील है गाड़ी की सब साफ कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं गाड़ी अपनी कितनी एक लोड हुई है, चलते हैं पीछे। ऑलमोस्ट जो है लोड हो चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई गाड़ी अपनी लोड करने के लिए। बाकी बांस खोल के यहाँ पे बाहर से लटका लिया भाई, लेकिन इसके लिए नट चाहिए, नट तो है नहीं मेरे पास, ना गाड़ी में मिले मुझे। अब देखेंगे कहीं नट वगैरह मिले तो नट भी डाल देंगे। तो भाई अपनी गाड़ी जो इतनी लोड हो चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई लोड करने के लिए। ये फैक्ट्री रही और भाई रहे पीछे, देख रहे हो वहाँ से माल वगैरह आ रहा है। तो भाई देख सकते हो प्लाई जो ऐसे लोड होती है, जाला वगैरह भाई पाइप साइड पे कर ली, पत्ता भी एक खोलना था आगे से। बाकी अजय भाई ने बेल्ट वगैरह दी हुई थी तो वो बेल्टें भी लगी हुई है। तो अब देखते हैं कितने एक माल और डलेगा गाड़ी पे अपनी। बैठे हुए हैं यहाँ पे अंदर ही, तो यहाँ पे अपना माल भी लोड हो रहा है, तो जल्दी जल्दी माल भी लोड हो जाएगा, उसके बाद निकलेंगे। फिर सोच रहा था शोपियन से जाने के लिए, लेकिन वहाँ से सुनने में आया कि गाड़ी का खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, इससे बेटर ये रहेगा कि रास्ता ढूंढेंगे भाई अंदर अंदर से कहीं, जो रास्ता जो है काजीकुंड में निकले। सो फाइनली गाइस रास्ता तरपाल अपनी गाड़ी का हो गया, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यार, भाई यहाँ पे काम वगैरह करते हैं तो भाई ने रास्ता तरपाल वगैरह डलवा दिया। भाई कहाँ से हो आप? बंगाल का है। बंगाल का है भाई, यहाँ इस फैक्ट्री में काम करता है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हैं? एक साल। काफ़ी दूर दूर के लोग जो है ना यहाँ पे काम करने आते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा इलाका है, शांति है, ऐसा ही है सब, या गलत है? नहीं, शांति है। कैसा है कश्मीर में आके, कैसा लगा आपको? शांति लगा है, ठंडी के मौसम में पूरा तो कश्मीर में ठंडी है। अच्छा, गर्मी उतना नहीं है। अच्छा, बंगाल नहीं, लेकिन आपको ऐसे कश्मीर में रह के कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है कश्मीर में रहना या बुरा? अच्छा। अच्छा लगता है? दोबारा भी आओगे कभी कश्मीर? नहीं, दोबारा क्या, 2 साल काम करके गया हूँ मैं। अच्छा, चलो ठीक है भाई, आगे भी काम काज किया करो यहीं पे, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एरियाज भी है और काफ़ी लोग जो है दूर दूर के काम वगैरह करते हैं। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो अब बिल्टी वगैरह लेते हैं भाई, उसके बाद निकलते हैं। तो भाई सामने ये रही फैक्ट्री और अपनी गाड़ी यहाँ पे रही, गाड़ी को अपनी रस्सा तरपाला कर दिया भाई काफ़ी बढ़िया तरीके के साथ, बस एक ही तरपाल वगैरह डाला हुआ है, इसलिए एक ही डाला कि खोलने में भी प्रॉब्लम रहती है, और ऊपर से मौसम भी साफ सुथरा है, बारिश लगने के कोई चांसेस नहीं है भाई। और देख सकते हो आप तरपाल जो है तो काफ़ी अपने हिसाब से मैंने ठीक ही तरीके के साथ बांधा हुआ है। और साथ में यार आप जब ना कभी सरंद वगैरह जाएंगे ना, अब तो भाई सीमेंट पे चलना ही नहीं ना, देख रहे हो गाड़ी की हालत पीछे से क्या हो गई, शक्ल नहीं रही गाड़ी को पीछे से सीमेंट की। साथ में जो ये लटू लुटू गए हुए हैं, डंडा वगैरह थोड़ा टेढ़ा हुआ है पहले का, ये इसको भी सीधा करवा देंगे। बाकी सीमेंट वगैरह जो भी है तो ये टेपिंग बिल्कुल चेंज कर देंगे, और व्हील कप भी जो है तो नए व्हील कप डाल देंगे। और ये अपने रिसोल टायर है, और ये फ्रेश टायर है, और ये रबड़ी टायर है। तो अब आगे भाई फिर से, तो अब करते हैं वेट बिल्टी का, बिल्टी कब तक मिलती है? बिल्टी वगैरह मिल गई अपनी, ये रही अपनी बिल्टी। तो अब मैं सोच रहा था निकलते हैं यहाँ से, सबसे पहले भाई कांटा वगैरह करवाते हैं, क्योंकि कांटा करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वजन देखेंगे कितना, उसके बाद निकलेंगे भाई। ये रहा भाई इंडस्ट्री एरिया, देख रहे हो कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ से है, और साथ में अपना अब मुझे जाना है, तो सोच रहा था कांटा कोंटा करवा दूँ यार थोड़ा। तो भाई चल रहे हैं अभी, मेन रोड पे नहीं पहुंचे हुए, और अपने आगे टाटा मोबाइल चल रही है भाई, पूरा जहाज बनाया हुआ देख रहे हो, कितनी ऊंची है भाई, हल्का माल रहता है ना इसीलिए जो है तो इसको इतना ये हवा राइड किया हुआ है, बिल्कुल खाली गाड़ी है। अपनी गाड़ी में भी 20-21 टन माल होगा, 24 टन तो पूरा नहीं होगा। और साइकिल वाले भाई देख रहे हो, और जमींदारी देखो लोग कैसे कर रहे हैं। तो गाइस आगे हाईवे पे अब चलते हैं, अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है अपनी संगम है, तो अब चलते हैं आगे। आगे सबसे पहले भाई तेल वगैरह डालना है, उसके बाद निकलेंगे भाई आगे की तरफ, क्योंकि अपनी कानवा एक तो रोकी हुई है आज तो हमें पता है रोकी हुई है, तो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं आज, तो गाड़ी को लाइन में ही लगाएंगे। तो भाई फिर से पहुंच गए मीर बाज़ार,
तो अभी जो है ना ट्रैफिक जो उधर से आ रहा है ना, जम्मू से ट्रैफिक जो आ रहा है कश्मीर की तरफ, ये रॉन्ग साइड में आ रहा है, क्योंकि वहाँ आगे में FCA स्टोर है ना, वहाँ पे जो है भंडारा लगा हुआ है ये अमरनाथ यात्रा का, इसीलिए जो कानवाई है दिन को जो है ना रॉन्ग साइड डालते हैं। तो देख रहे हो आगे लाइन में चल रहे हैं, आर्मी गाड़ी आगे चल रही है, यहाँ पे तो आर्मी गाड़ी का ओवरटेक करना भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, ओवरटेक करने में भी कभी कभार वो ओवरटेक करने ही नहीं देते आर्मी वाले, बस उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू क्या ज़बरदस्त व्यू है, और यहाँ के घर भी काफ़ी प्यारे है भाई, ये देख रहे हो ना सामने सुना घर कैसा लग रहा है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये घर कैसा लग रहा है। तो भाई पहुंच गए अपने मेर बाज़ार से आगे, तो गाड़ी अपनी साइड पे लगा ली, यहाँ पे तो जगह नहीं है, सुबह से यहाँ पे फिर से गाड़ी निकलवा देंगे, क्योंकि दुकानों के बाहर मैंने गाड़ी लगाई हुई है। तो बैठा हूँ अब यहीं पे अकेले, बर्तन वगैरह निकाल के रख दिए भाई, ये रहे कुकर अपने, तो सोच रहा हूँ भाई अब खाना खा दे थोड़ी देर तक, और साथ में आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आज की वीडियो सब भाइयों को पसंद आई होगी, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर बुरी लगी हो फिर भी बताएं कि भाई आज की वीडियो कैसी थी। तो चलो आगे भी ऐसे देखते रहना, उम्मीद करते हैं सपोर्ट करते रहोगे हमेशा। बाय बाय।